इन खबर में आपका स्वागत है। संसद से कल एनसीटीबी पारित हो गया। राज्यसभा में आपके सांसद संजय सिंह ने करारा जवाब दिया, मोदी सरकार को आड़े हाथ कर दिया और कहा कि यदि चुनी हुई सरकार को इसी तरीके से बर्बाद करना है तो फिर केंद्र में भी मोदी सरकार क्यों, राष्ट्रपति की सरकार होनी चाहिए। लेकिन बात उतने से ही नहीं बनी। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आज उतरे और उन्होंने बताया कि आखिरकार मोदी सरकार को ये बिल क्यों लाना पड़ा, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार केजरीवाल सरकार को कमजोर कर रही है। सुनिए उन्हीं से क्या कह रहे हैं। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कल जो बिल पास किया है वो बेसिकली ये दिखाता है कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, उनके काम को लेकर किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही है। आज देश में लोग बात करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के विकल्प में हो सकते हैं। लोग बात करने लगे हैं कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है, देश के लोगों के लिए काम कर सकता है। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली में खूब काम हुए हैं और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली कह रही है, पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है, दुनिया में इस पे चर्चा हो रही है, स्टडी की जा रही है कि दिल्ली में क्या काम हुए, कैसे हुए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम कर लिए गए। जिन कामों के बारे में सोचा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती, वो काम सफलतापूर्वक कर लिए गए। आज दिल्ली के स्कूल सिस्टम की चर्चा हो रही है, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे कॉम्पिटिशन में जाने लगे। आज दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, कोविड मैनेजमेंट शानदार रहा इन अस्पतालों की वजह से, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की वजह से, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही हैं। आज दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटे मिलने लगी है, भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं हो रहा कहीं भी। आज दिल्ली में पानी का स्तर सुधर गया, टैंकर माफिया खत्म हो गया, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, पीने का साफ पानी फ्री मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ये कहीं नहीं हो रहा। आपने सुना, वो बता रहे हैं कि इनके पास न कोई मोदी मॉडल है, न बीजेपी मॉडल है, विकास का कोई मॉडल है ही नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छी शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, इसलिए इनको ये लग रहा है कि तो दिल्ली में हम कभी आ ही नहीं पाएंगे और राज्यों में इसका संदेश जा रहा है, लिहाजा आनन फानन में इस बिल को पारित करा करके केजरीवाल सरकार को कमजोर किया गया है। केजरीवाल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए ये कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वास्तव में केजरीवाल नरेंद्र मोदी का विकल्प बन रहे हैं? तो जरा परिस्थितियों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि नीतीश कुमार तो आ गए एनडीए के पाले में, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जूझ रही हैं। यदि शरद पवार की बात करें तो शरद पवार जो है अब बुढ़ापे में हैं और कुछ खास वो भी नहीं कर पा रहे हैं महाराष्ट्र के आगे, तो अब दिखाई कौन देता है विपक्ष में? उस नाते यदि मनीष सिसोदिया की बात पर गौर करेंगे तो बात में कहीं ना कहीं थोड़ा दम है, क्योंकि सूरत में अभी नगर निगम के चुनाव में आपको अच्छी सफलता मिली है, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ 3 सीटों पर तो 2 आप ले गए, 1 कांग्रेस बीजेपी के खाते में 0। तो जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कहीं ना कहीं दम दिख रहा है। अभी ये बात अलग है कि बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से सफाई ये है कि सिर्फ अधिकारों का स्पष्टीकरण किया गया है, किसी का अधिकार घटाया नहीं गया। तो राजनीति है, राजनीति में तो ऐसा बोला ही जाता है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना होता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे जाकर के ये लड़ाई कहाँ खत्म होती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।